नमस्कार दोस्तों, एचएचएस हरियाणा न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं नील यादव आज जुड़ा हूँ फरुखनगर खंड के गांव मुशेदपुर से। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गांव मुशेदपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में असुविधाओं का अभाव है। इस विद्यालय की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, बच्चों के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। इस विद्यालय में काफी कमरों की छत तो गिर चुकी है, आप देख सकते हैं दृश्य में जिस प्रकार से कमरे के ऊपर छत ही नहीं है और बचे कुचे दूसरे कमरों की छत कब किस टाइम गिर जाए इसका कोई अनुमान नहीं। विद्यालय में विद्यार्थियों से हमने बातचीत की, उसे पता चला कि छत की हालत इस प्रकार हो चुकी है कि बच्चों को पढ़ते वक्त भी यह भय लगता है कहीं छत टूटकर उनके सर पर ही ना गिर जाए। आपको बता दें कि यह स्कूल छठी से बारहवीं तक का है जिसमें 225 बच्चे पढ़ते हैं तथा विद्यालय में मेन रास्ते पर भी बारिश का पानी हर वक्त भरा ही रहता है जिससे स्कूल में आने जाने वाले विद्यार्थियों को काफी अभाव रहता है आने जाने में। विद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षकों ने बताया कि पेड़ पौधों के विषय में सिर्फ यह विद्यालय ठीक है, बाकी यहाँ की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, किसी भी बड़े हादसे को बुलावा दिया जा सकता है। प्रधानाचार्य सुनीता यादव ने बताया कि स्कूल में ना सफाई करने वाला कोई, ना चपड़ासी, ना कोई चौकीदार, जबकि विद्यालय में लाखों रुपए का सामान रखा हुआ है। आपको बता दें कि इस विद्यालय में सफाई भी बच्चों के द्वारा ही करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारी, चपरासी और चौकीदार के लिए प्रशासन के पास लिखित भी दिया हुआ है, लेकिन अभी तक समस्या जो की तो ही खड़ी है। प्रधानाचार्य सुनीता यादव ने बताया कि इस बारे में विभागीय अधिकारियों का अवगत कराया जा चुका है। मौके का निरीक्षण कर PWD विभाग के JEB भवन की जर्जर हालत घोषित कर चुके हैं।